हे गाइस, मैं लग रहा हूँ शहनाज गिल की लेटेस्ट फोटो। जैसे कि शहनाज का कोई भी न्यू ईयर का एक स्टोरी भी नहीं आया, शहबाज भी शहनाज के साथ थे फिर भी शहनाज ने कुछ नहीं डाला। बस शहनाज का ये एक फ़ोटो आया है, लेकिन शहनाज ने ये खुद नहीं डाला है, जूम चैनल वालों ने डाला है शहनाज का ये फ़ोटो, जहाँ पर शहनाज के हाथ में एक बोर्ड जैसा नज़र आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर लिखा है उस पर। सो गाइस, शहनाज का यही एक तोहफा है जो हमें मिला, और वो भी जूम चैनल वालों की तरफ से ही मिला है। शहनाज ने खुद इस पिक्चर को पोस्ट नहीं किया है, लेकिन शहनाज का एक ट्वीट आया था जिसमें लिखा था हैप्पी न्यू ईयर हार्ट इमोजी के साथ। शहनाज ने ये ट्वीट भेजा था। ज़रूर शहनाज शूटिंग में बिजी होगी, क्योंकि शहबाज भी उसके साथ है। अगर वो फ्री होती तो वो स्टोरी तो ज़रूर ही डाल देती, कि हैप्पी न्यू ईयर वाली स्टोरी ज़रूर डाल देती, लेकिन शहनाज ने कुछ स्टोरी वगैरह नहीं डाली, ना ही शहबाज ने डाली। तो ज़रूर वो यहाँ तो किसी जगह घूमने गए होंगे, और अगर घूमने नहीं भी गए होंगे तो वो शूटिंग में बिजी होगी। अगर शूटिंग में बिजी है तो किस प्रोजेक्ट को लेकर है, वो भी अपडेट नहीं है हमारे पास कोई भी, क्योंकि शहनाज ने कोई अपडेट नहीं दी है अभी तक किसी प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन हाँ, ये अनाउंस हो चुका है कि सनराइज सॉन्ग का वीडियो जो है, गुरु रंधावा और शहनाज गिल का वीडियो जो है सनराइज सॉन्ग का, वो इस महीने आने वाला है, जनवरी में आने वाला है। अब वो कब आएगा, वो डेट तो रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन जब भी आएगा हम उस गाने का बहुत सब्री से वेट कर रहे हैं कि गुरु रंधावा और शहनाज गिल को साथ में देखने का मौका मिले। हम गाना तो सुन चुके हैं, लेकिन इसका वीडियो देखने को मिले, हम सब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। सो गाइज, आप कितना एक्साइटेड हो शहनाज के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। एंड ये पिक्चर आपको कैसी लगी शहनाज की, और ये ट्वीट कैसा लगा शहनाज का, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।